तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग अ न्यू रिपोर्ट ऑन रेसल रिपोर्टर। तो यार, आज की इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे सासा बैंक्स के इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सीएम पंक के यूएफसी रिटर्न के बारे में, और फाइनली अपने लास्ट अपडेट में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के वापस से यूएफसी में जाने के बारे में। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सासा बैंक्स के हाल ही में हुए इंटरव्यू के बारे में, जहां उन्होंने ये दावा किया कि वो बेस्ट वुमेन्स रेसलर हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका घमंड नहीं बल्कि विश्वास है, जिसके बाद सासा बैंक्स की इस स्टेटमेंट पे काफी सवाल उठे, और उठते भी क्यों नहीं। एक तरफ तो उन्होंने पेज का करियर ही बर्बाद कर दिया, उसके बाद उनका कहना है कि वो बेस्ट है। खैर, इसके अलावा उन्होंने वुमेन्स टैग टीम डिविजन के बारे में भी बात की, जहां उन्होंने ऐसा कहा कि वुमेन्स के लिए भी एक टैग टीम टाइटल होना चाहिए, क्योंकि यहां रोस्टर में काफी वुमेन्स रेसलर्स हैं, और अगर यहाँ पे एक वुमेन्स टैग टीम टाइटल जोड़ दिया जाए तो उन्हें फाइट करने के लिए रीजन मिलेगा, क्योंकि रोस्टर में वुमेन्स रेसलर काफी ज्यादा हो रही हैं और चैंपियनशिप सिर्फ एक है जिसके लिए वो फाइट कर सके। तो ऐसे में अगर WWE यहाँ पे एक और चैंपियनशिप जोड़ देती है तो ये वुमेन्स टैग टीम डिविजन के लिए बेटर होगा। अब बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो यार, डेना व्हाइट से हाल ही में सीएम पंक के UFC रिटर्न के बारे में पूछा गया, जहाँ उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे सीएम पंक काफी अच्छे लगते हैं और वो काफी अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने बताया कि सीएम पंक एक और बार UFC में लड़ना चाहते हैं और इसके लिए सीएम पंक को एक और मौका मिलेगा। तो यार, अगर आप रॉयल रंबल में सीएम पंक के रिटर्न की उम्मीद लगाए बैठे थे तो भाई, यहाँ पे तो कोई और ही कहानी चल रही है। यहाँ सीएम पंक UFC की तैयारी में लगे हुए हैं, तो फिर इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि सीएम पंक रॉयल रंबल में कोई रिटर्न नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रॉक लेसनर का WWE से कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद खत्म हो जाने वाला है, तो ऐसे में उनके UFC रिटर्न के बारे में पूछे जाने पे डेना व्हाइट ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर UFC में अभी एक और रन देंगे, और उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर को UFC में फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो हमें UFC में एक और बार लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।